दोस्तों आज हम बनाएंगे व्रत वाले आलू। व्रत वाले आलू की रेसिपी बहुत ही सीधी और बहुत ही सिंपल है और इसका टेस्ट एकदम जबरदस्त है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। व्रत वाले आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है। पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और साथ ही गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर रखना है। घी गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सुनहरा होने देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। इसे चला लेते हैं और इधर जीरा हल्का सुनहरा हो गया है। अब इसमें हम उबली हुई आलू डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके कट कर लिया है। इसे अच्छे से चला लेते हैं और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखना है। ऐसे ही चलाते हुए हम 1 मिनट तक आलू को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इधर आलू अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। जैसे ही टमाटर डालेंगे इसमें हम स्वादानुसार सेंधा नमक डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। टमाटर को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए दोस्तों टमाटर और आलू अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्रत वाले आलू की बात ही अलग होती है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसे भी सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्रत वाली डिशेज में ना बस गिनती की चीज़ें डलती हैं, फिर भी खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनकर आता है। अब इसमें हमने सबसे ज़रूरी चीज़ डालनी है, वो है नींबू का रस। नींबू का रस डालने से व्रत वाले आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छे से निखर कर आता है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नींबू का रस डाला है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हमने अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब सबसे लास्ट में हरी धनिया डालकर इसे हम सर्व कर लेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।